गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विनय सिंह आप सभी का मैं अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 10 दसवां और नौवां भाग बता रहा था, उसी के आगे आज मैं आप लोगों को अंदाजा लगाओ बनाओ और नापो के बारे में बता रहा हूं। तो बनाने की चीज है एक सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक फीति लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल यह हमने बना दिया, फिर इसे आप लोग नापेंगे भी। पांचवा है 16 सेंटीमीटर लंबा कुंडला से ये 5 चीजें हमने बनाई। यहाँ पर अंदाजा लगाना है आपको, बनाना है, फिर उसे स्केल की सहायता से नापना है। पहला है
सेंटीमीटर से कम लंबाई की स्थिति हमने अंदाजा से बना दिया है, लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल, 11 सेंटीमीटर लंबा ग्लास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक दूरी और 16 सेंटीमीटर लंबा घुराबा, ये सब हमने अपने अंदाज से बनाए हैं। फिर आपको इसे स्केल से नापना है, क्या ये सही हैं, सही नाप के बने हैं अथवा इनके नापों में कोई परिवर्तन है। इसके बाद हमारा हमारी आंखें यहाँ पर हमारे दो चित्र बने हुए हैं, जैसे ये भी यहाँ पर कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, एक भी इन रेखाओं को नापना है और उनके नाप को सेंटीमीटर में आपको लिखना है। तो इसमें आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि ये रेखा लंबी है, किंतु कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है लंबी है तो आंखों से देखने पर हमें सही जानकारी नहीं हो पाती है कि इसमें कौन सी रेखा लंबी है या कौन सी छोटी है। तो इसे हम स्केल की सहायता से नाप लेते हैं और फिर हम देखते हैं कौन सी लंबी कौन सी छोटी। इसके बाद है इसकी पूंछ सबसे लंबी है, जैसे चूहा, नंबर दो बिल्ली, नंबर तीन कुत्ता, नंबर चार कुमार, नंबर पांच लंगू, तो इन पांचों में से किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है। तो आपको आपने इन पांचों जानवरों को देखा होगा, चूहा भी देखा होगा, बिल्ली भी देखी होगी, कुत्ता भी देखा होगा, तो ये जानवरों की हम आसानी से पकड़ करके इनकी पूंछों को नहीं नाप सकते हैं, किंतु आप देख करके बता सकते हैं कि इसमें लंगूर की पूंछ सबसे अधिक लंबी होती है।
तो इन पांच जानवरों को आपने बड़े अच्छे से प्रतिदिन लगभग देखे होंगे, सुबह बूढ़ी कुत्ता कुमार और लंगू। तो इनमें सबसे लंबी पूंछ वाला जानवर लंगूर ही है। इनकी पूंछों को हम आसानी से नहीं नाप सकते क्योंकि ये पकड़ाए नहीं देंगे, किंतु आप अंदाजा से ये बता सकते हैं कि किसकी पूंछ सबसे लंबी होती है। और यदि आपको पकड़ाई दे जाए तो आप इनको पकड़ के इनकी पूंछों को नाप करके भी दे सकते हैं। इसके बाद ये सभी एक्टिविटी हैं आपको करना है। सबसे लंबा नोट, सबसे लंबा नोट कौन सा होता है? आपने कई सारे नोट देखे होंगे। आपने संभवतः जो नोट देखे हैं उनमें दो हजार का नोट, पांच सौ का नोट, दो सौ का नोट, सौ रुपए का नोट, बीस रुपए का नोट, दस रुपए का नोट, पांच रुपए का नोट, इनमें आपको सभी की लंबाई और चौड़ाई नापना है स्केल की सहायता से, जो कि आप निकाल घर में कर सकते हैं। आपने इन नोटों को देखा होगा तो 2000 का नोट कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इसी तरह 500 का नोट कितना लंबा है कितना चौड़ा है, 100 रुपए का नोट कितना लंबा चौड़ा है। इन सभी नोटों की आपको लंबाई और चौड़ाई नापनी है। तो आप देखेंगे कि इनमें सबसे लंबा नोट नोटों में 2000 का नोट होगा, किंतु जब हम इन दसों को नापेंगे तो गणित की पुस्तक कक्षा 5 इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर आप नापें तो सबसे अधिक होगी। ये एक्टिविटी भी आप घर में ही करना है। अब आता है हमारा
बाजार में एक बाजार है जहां पे जिसका मूल्य दिया हुआ है 567 रुपये 25 पैसे एक अंडा जिसका मूल्य है 2 रुपये 50 पैसे एक बैल है अन्य है जिसका मूल्य है 120 रुपये 50 पैसे पेन है जिसका मूल्य है 6 रुपये 50 पैसे जिसका मूल है 8 रुपये 75 पैसे माचिस है जिसका मूल है 50 पैसे चप्पल है जिसका मूल्य है 32.99 रुपये ये मार्केट की सूची दी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को इस सूची के माध्यम से कुछ सवालों को देखना है। तो इस अनोखी कीमत को देखो 32 रुपये और 99 पैसे चप्पल की कीमत है, पर जब हम खरीदने जाते हैं उसे 33 रुपये देते हैं तो वे हमें एक भी पैसा वापस नहीं करता। तो एक पैसा जो होता है, एक पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है, तो आप जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा जो है वे 1 रुपये का 1/100 भाग होगा। 100 पैसे में से 1 पैसा लिया गया तो इसलिए 1/100 भाग होगा। ये 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का 1/100 भाग है, इसे हम दशमलव में क्या लिख सकते हैं, 0.01। इसी तरह हम 99 पैसे को अगर लिखें तो 99 पैसे ये हमारा 1 रुपये का 99/100 भाग होगा और इसको हम दशमलव में 0.99 लिखे हुए। अब यहाँ पर कई सारे हमारे प्रश्न आते हैं। नंबर एक जो देख करके आपको बताना है कि माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है, तो आप देख करके बता सकते हैं
कि मार्केट की बिक्री हमारी 0.5 रुपया या इसको हम कह सकते हैं 50 पैसे। दूसरा है कि माचिस की कितनी डिब्बियां 2.50 रुपए में ली जा सकती हैं। माने माचिस की एक डिब्बी आती हमारी कितने में, तो 2.50 रुपए में कितनी माचिस की डिब्बियां आएंगी। तो आप क्या करेंगे, 2.50 रुपए में हम कितने का आप देखिए, तब हम लोग दोनों में बराबर है, इसको हम हटा देंगे तो पैर कट जाएगा, इससे काट देंगे तो आ जाएगा 5 रुपये। क्योंकि 2.50 रुपए का तात्पर्य हमारा 2.5 रुपए, एक माचिस की डिब्बी 50 पैसे में आती है तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, माने 1 रुपए में हमारी 2 माचिस की डिब्बी आएंगी, 2 रुपए में 4 और 2.5 रुपए में 5 डिब्बी आएंगी। एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है आप देख रहे हैं, साबुन की टिकिया का दाम है 8.75 रुपए। तो अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का दो सिक्के उसके पास 1 रुपए के हैं और 4 50 पैसे के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। देखिए साबुन की टिकिया की कीमत रुपए 8.75 रुपए है, तो कह रहा है कि अरुण एक साबुन की कुटिया खरीदने जाता है, उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का है जिसकी वैल्यू होगी 5 × 1 = 5। के दो सिक्के हैं जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 2 यानी 2 रुपए और साथ में कह रहा है कि 4 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 4 50 पैसे के सिक्के यानी इनकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए। तो इस तरह से उसके पास टोटल 9 रुपए हो जाएंगे, जब किताबों की टिकिया आती है हमारी 8.75 रुपए में, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखिए यहाँ हम 9 रुपए लिखेंगे, उसमें से हम 8.75 रुपए घटा देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा। माने उसे 25 पैसे वापस मिलेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं 0.25 रुपए उसे वापस मिलेंगे।
इसके बाद है एक अंडा 2.50 रुपए का मिलता है तो 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए में मिलेंगे? कर्नल 60 रुपए लो और 1.5 दर्जन अंडे खरीदो, बचे हुए पैसों से तुम कलम खरीद सकते हो। तो अब देखिए वे 60 रुपए लेके गया कर्नल, के पास उसने 45 रुपए के अंडे खरीदे, शेष उसके पास कितने बचे? 15 रुपए बचे। तो अब देखिए उसने कहा उसने तुम पेंसिल खरीदे, तो एक पेंसिल की कीमत 6.50 रुपए है। तो देखिए 15 रुपए में उसे खरीदना है तो वो कितने कलम खरीद सकता है? तो 2 कलम तो वे आसानी से खरीद लेगा। तो देखिए 1 कलम की कीमत 2.50, तो 2 कलम की कीमत 2.50 रुपए दोनों को, यानी कितने का तब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो देखिए अभी उसने के पास 15 रुपए हैं, उसने 13 रुपए के 2 कलम खरीदे तो उसके पास 2 रुपए बचे। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। आप इन सवालों को घर में हल करने का प्रयास करिएगा, निश्चित ही आपको ये समझ में आएंगे। इसके बाद आता है अभ्यास का समय, जो कि हम आपको कल कराएंगे। धन्यवाद। आप इस पाठ को घर में पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। इस पाठ में मेन है 10वां भाग और समाभाग। 1 रुपये
में 100 पैसे होते हैं, इसलिए एक पैसा जो है 1 रुपए का सवा भाग कहलाएगा। आप पैसों को दशमलव में बदलना और उन्हें लिखना समझ सकते हैं। आशुतोष जी, समझ में आता है? जी सर। क्यों आशुतोष, कुछ समझ में आता है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कुछ समझ में आता है? जी सर। हाँ सर आता है। हेलो हेलो। हाँ सर आता है। हाँ सर समझ में आता है। जी सर। जी सर ठीक ओके।